टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुमरा, कलवा और दीवा, यहाँ पर टोरेंट के बिल भरने को लेकर जो है शहर में काफ़ी चर्चाएं हैं, और जो ख़ास तौर पे जो चर्चाएं हैं वो पीडी जो बाकी है बिल, उसमें टोरेंट पावर कंपनी ने जो है पीडी जो बकाया है उन्हें नोटिस भी इशू की है। और दरअसल पिछले बार जो है इसमें टोरेंट पावर ने जो स्कीम जारी की थी भरने के लिए, वो स्कीम लगभग ख़त्म हुई थी, लेकिन जनता की मांग थी कि इस स्कीम को बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और टोरेंट के जो अधिकारी हैं, जो जनसंपर्क ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चेतन बधियानी, उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर जो टोरेंट पावर के तरफ से जो पीडी बकाया है उन्हें जो नोटिस इशू की गई है और किस तरह से उन्हें राहत देने के लिए टोरेंट पावर कंपनी के तरफ से और स्कीमें लाई जा रही हैं। चेतन जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से टोरेंट पावर की तरफ से जो पीडी का बकाया है उन सभी लोगों को नोटिस दी गई है, और आपके तरफ से अभी फिलहाल जो क्या किया जा रहा है उनके साथ, क्या, क्योंकि शहर में जो चर्चा है वो कुछ अलग ही चर्चा है, एक ज़्यादातर लोगों के दिल में डर बैठा हुआ है, तो ऐसे में आपके टोरेंट पावर की तरफ से भी स्कीम लाई जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके भरने के लिए, दरअसल क्या स्कीम है वो बताइए। देखिए कैसा है, नमस्कार इस्लामुद्दीन जी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कैसा है कि आप जब पीडी की बात करते हैं तो पीडी के पहले पीडी कहाँ और कैसे होते, थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ, आपके ज़रिए लोगों को समझा दूँ। देखो, एक केस तो वो है जहाँ पे आपका पहले का बकाया है पीडी मीटर, MSEDCL के टाइम का आपका बंद मीटर है, और आज की तारीख में आपके यहाँ पे कोई मीटर ही नहीं है, आप बगैर मीटर चला रहे हैं। दूसरा केस ये हो जाएगा कि जहाँ पे आपका पहले का कोई बंद मीटर है, पीडी का बकाया है, और आप MSEDCL के टाइम पे ही नया मीटर ले चुके हैं, उसके बावजूद आपको नया मीटर किसी वजह से मिल गया है और आपने लिया हुआ है, आपके यहाँ नया मीटर चल रहा है लेकिन आपका पीडी बकाया है। तीसरा वो केस है जहाँ पे आपके पास कोई पीडी नहीं है, आपका मीटर है, आप बिल आता है उसको भरते हैं, आपका रेगुलर है सब कुछ। और चौथा केस ऐसा है कि जहाँ पे कोई बकाया नहीं है, कोई मीटर नहीं है और लोग डायरेक्ट चला रहे हैं। तो इसमें पहला और चौथा जो है वो बहुत तकलीफ़ वाला है, और उसके लिए मैं आपको इनफैक्ट थोड़ा सा आपके ज़रिए लोगों को कहना चाहूँगा। देखिए, आपका अगर पीडी बकाया है तो आपका पीडी बकाया का लिस्ट जो है वो टोरेंट पावर को MSEDCL की तरफ से जो रिकॉर्ड मिले थे उसके हिसाब से है। आपके यहाँ पे अगर पहले के बंद मीटर का बकाया है, स्थाई डिसकनेक्शन जो हो गया है मीटर, उसका लिस्ट MSEDCL का टाइम का जो है उनको टोरेंट की तरफ से नोटिस भेजा गया है क्योंकि आपके जगह पे बिल बाकी है। ठीक है, अभी कैसा है कि टोरेंट पावर ने जब काम चालू किया मार्च 2020, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, उसके बाद काफ़ी लोगों का ये फीडबैक था कि जो बहुत सारा बिल पहले का बकाया है पीडी की वजह से नए कनेक्शन हमको नहीं मिल रहे हैं, तो नए कनेक्शन को लोगों को देने के इससे MSEDCL से बातचीत करके एक स्कीम लाई गई शिल कलवा मुमरा के लिए, जिसमें कस्टमर को उनके यहाँ पे अगर पीडी बकाया राशि है तो उसका मुद्दल का यानी प्रिंसिपल अमाउंट का सिर्फ 110% भरना है और उनको ब्याज माफ़ी मिलती है। अगर वो एक साथ नहीं भर सकते और किस्तों में जाना चाहते हैं तो आज की डेट में उनको सिर्फ उनका जो बकाया है उसका 30% भरना है और वो बाकी के अमाउंट का मार्च 2022 तक इंस्टॉलमेंट पा सकते हैं। तो ये स्कीम जो है जनवरी 21 में लाई गई थी, जून तक थी, जुलाई में ख़त्म होनी थी, लेकिन लोगों के फीडबैक पे, लोगों के रिक्वेस्ट पे इसको बढ़ा दिया गया है ताकि लोग इसका फ़ायदा ले सके, और अभी ये दिसंबर एंड तक अवेलेबल है आपके जरिए। अच्छा, अभी ये स्कीम और आगे, हाँ, ये दिसंबर तक बढ़ा दी तो गई है। स्कीम में कुछ चेंजेस वगैरह किए गए हैं? नहीं, वही स्कीम, कोई चेंज नहीं है, वही स्कीम आज की डेट में भी अवेलेबल है, ये 31 दिसंबर तक है। आपके जरिए मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सुनहरे मौके का फायदा ले। चेतन सर, एक बात और है कि इसे 3 किस्त में अगर भरना है, किसी का 1 लाख है तो 3 किस्त में भी लोगों को भरना कभी कभी भारी पड़ जाता है, तो क्या उसके लिए और भी आगे कुछ नहीं, इसमें 3 किस्त ऐसा नहीं है, आपको पहली, अगर आप किस्त चाहते हैं, पहली किस्त आपको आपका जो बकाया उसका 30% भरना है, 30% भरना है,
और आपको मार्च 22 तक बाकी की किश्तें बना के मिलेंगी। आपकी आखिरी किश्त जो है वो मार्च 22 तक बनेगी, ऐसा इस स्कीम का MSADCL से जो प्रोविजन आया हुआ है वो है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं एक साथ भरना तो उसमें भी आपको पूरी ब्याज माफी मिलती है, आपको प्रिंसिपल का 110% भरना है। आप किश्त लेना चाहते हैं तो आपकी किश्तें बना के दी जाएगी, मार्च 22 तक आपकी किश्तें रहेंगी। पहला किश्त जो है वो 30% आपको पे करना है, बाकी आप हर महीने भरते रहें। दूसरा कैसा है कि आपने एक बार ये स्कीम के लिए एनरोल कर दिया, आपने पहली किश्त भर दी, तो आप बाकी का महीने दर महीने भरते रहें, लेकिन पहला किश्त भरने के बाद आप नया मीटर ले सकते हैं, टॉरंट पावर में अर्जी कर सकते हैं। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस स्कीम का फ़ायदा लें। देखिए कैसा है कि मैंने आपको जैसे बताया पीढ़ी की बात करते वक्त, इसमें अलग अलग लोग जो हैं, इसमें सबसे एक ये है कि जिनका पीढ़ी बकाया है और जो नया मीटर चाहते हैं लेकिन पीढ़ी की वजह से नहीं ले पा रहे हैं, उनको किश्त का फ़ायदा लेके कैसे मीटर लिया जा सकता है हमने बताया। दूसरा मैं ऐसे लोगों को आपके थ्रू बोलना चाहूँगा कि जिनके पास आज की डेट में कोई मीटर नहीं है, पहले भी नहीं था, कोई बकाया नहीं है, लेकिन फिर भी बगैर मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ बहुत आपके थ्रू लोगों तक क्लियरली पहुंचाना चाहता हूं कि बगैर मीटर बिजली इस्तेमाल करना एक कानूनी जुर्म है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 135 के तहत आपके ऊपर उसमें केस हो सकता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप बिजली का गैरकानूनी इस्तेमाल ना करें, मीटर लें। आपको मीटर के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, लीगल कनेक्शन के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए, टॉरंट पावर कस्टमर केयर से आपको दिया जाएगा। हमारे सेंटर पे आके मीटर के लिए अप्लाई करें, गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल ना करें। इसके थ्रू आप नेटवर्क से छेड़खानी करके अनसेफ ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जिसके थ्रू लोगों की जान को धोखा भी हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, लीगल बिजली इस्तेमाल करें, मीटर के लिए अप्लाई करें। चेतन सर एक बात और है, मुमरा शहर के कई इलाके ऐसे हैं कि यहाँ पर बिजली कट जाती है 4-4, 5-5 घंटे की, तो ऐसे क्या वजह है जो ऐसा बिजली कट जाती है? कुछ काम होता है आपके द्वारा या फिर काटी जा रही है? देखिए इसमें मेन प्रॉब्लम जो है ना वो कैसा है कि बार बार मेंटेनेंस वजह या बार बार मेंटेनेंस करने की वजह जो है ये अपने को जानना पड़ेगा। आज मुमरा में कई जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे लोग बगैर मीटर के डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन की टैपिंग करके, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की टैपिंग करके, नेटवर्क की छेड़खानी करके। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी नेटवर्क जो बना हुआ है, आपके पास जो कनेक्शंस या आपके पास जो मीटर है, आपके पास लोगों ने कितनी बिजली मांगी हुई है उसको ध्यान में रख के वो नेटवर्क को बनाया गया है। आज मीटर के बगैर जो चलाने वाले हैं वो लाइन को टैपिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को टैपिंग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो किसी कैपेसिटी से नेटवर्क बनाया गया है, इस टैपिंग की वजह से वो नेटवर्क का ओवरलोडिंग हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर 10 किलोवाट के लिए या 100 किलोवाट के लिए नेटवर्क बनाया गया है और लोग उसको टैपिंग करके 200 किलोवाट के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, नेटवर्क ओवरलोडिंग होने की वजह से कहीं पे ब्रेकडाउन आएगा, कहीं पे लाइन टूटेगी, यहाँ तक कि नेटवर्क ओवरलोडिंग से कहीं कहीं पे आग लगने के भी चांसेस होते हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, आप प्लीज़ आके टॉरंट पावर में अपने मीटर के लिए अप्लाई करें, मीटर के थ्रू ही इस्तेमाल करें। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट इस्तेमाल करना, मीटर के बगैर इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत सेक्शन 135 के तहत एक जुर्म है, इसके अंडर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है ना कि देखिए आप बार बार नेटवर्क के साथ छेड़खानी करते हैं तो नेटवर्क में वीक पॉइंट्स होते हैं, उस वजह से कभी लीकेज करंट हो सकता है, कभी कहीं पे आग लग सकती है जैसे मैंने बोला। तो ये निकालने के लिए बार बार टॉरंट पावर को मेंटेनेंस करना पड़ता है। बार बार अगर मैं मेंटेनेंस नहीं करूँ तो कहीं पे ब्रेकडाउन आएगा या कहीं पे कोई हादसा हो जाएगा। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि कृपया नेटवर्क के साथ छेड़खानी ना करें, बगैर मीटर के आप बिजली इस्तेमाल ना करें। ये सिर्फ नेटवर्क को वीक करता है ऐसा नहीं, आपके लिए भी जान का खतरा पैदा करता है, इससे किसी की जान जाने का जोखिम होता है। ये नेटवर्क जो अनऑथराइज या गैरकानूनी टैपिंग करके आप बनाते हैं वो बहुत अनसेफ होता है, इससे हादसे हो सकते हैं, कृपया इसको ना करें। आज क्या हो रहा है कि इन कुछ लोगों की वजह से बाकी के लोगों को भी बिजली का जब शटडाउन होता है वो सहन करना पड़ता है, क्योंकि मेंटेनेंस अगर मैं ना करूं तो नेटवर्क में कहीं कोई खराबी हो जाएगी। लेकिन एक बात और है चेतन सर कि 500 लोगों पर आपके द्वारा जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है,
500 लोगों को चिन्हित किया गया है ऐसा, जिनका काफ़ी बिल बकाया है। चेतावनी भी दी गई है कि अगर नहीं आप बिल जमा करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे 500 लोगों का जो है किस तरह का मामला पूरा है ये? अच्छा देखिए, कैसा है कि इसमें आज आप जानते हैं कि मार्च 2020 से टॉरंट पावर आई और इस एरिया में बतौर फ्रेंचाइजी एमएससीडी सेल के फ्रेंचाइजी के बतौर काम कर रही है। हमने जब से टेक ओवर किया तब से कोविड के वजह से कुछ वजह से लोगों को रेगुलरली रिमाइंडर होने के बावजूद हम ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किए थे, क्योंकि हम भी समझ रहे थे कि कोविड का सिनारियो है, पैंडेमिक है। अभी पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद कुछ लोग जमकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बिल नहीं भर रहे हैं। ऐसे लोगों का बिल भी बहुत बड़ा है, जैसे आपने पढ़ा ये कुछ 450 लोग हैं जिनका एकत्रित बिल मिला के अगर देखा जाए तो ये 8-10 करोड़ के आसपास है। तो इन लोगों के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इनका बकाया बिल अगर ये नहीं भरेंगे तो टॉरंट की तरफ से एक्शन लिया जाए। रिमाइंडर्स आपको दिए जाते हैं, आपको बार बार टॉरंट की तरफ से बोला जाता है कि आपका बकाया बिल है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ आके बिल को भरिए, अगर आप नहीं भरेंगे तो उस पर एक्शन करने के लिए टॉरंट मजबूर हो जाएगा। लेकिन आप अगर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रेगुलरली आपने भरना है। ये जो मैंने 450 लोग या आप जो पूछ रहे हैं वो इन लोगों को हमारी तरफ से एक नोटिस आखिरी भेजी जाएगी, अगर उसके बावजूद अगर बिल पेमेंट नहीं होता है तो एक्शन करने के लिए टॉरंट मजबूर हो जाएगा। साहब ये आपके ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। चेतन भाई, खास तौर पे पिछले दिनों जो टॉरंट का एक केस आया, 28 लोगों के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया, करीब 19 लाख रुपये का। तो ऐसा शहर में एक चर्चा ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम टॉरंट में हमारी सेटिंग है, हम आपका बिल कम करा देंगे, जिस तरह से वो फ्रॉड केस सामने आया था, और लोग दूसरे को पैसा दे देते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है या सिर्फ आपके हेड ऑफिस से ही जो है अधिकारियों से ही जो है लोगों को संपर्क करना पड़ेगा, इसका जरा आप बताइए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इस्लामुद्दीन जी। देखिए कैसा है कि ये मामला जो आप बता रहे हैं ये किसी के चेक फ्रॉड का मामला है, जो किसी ने किसी को पैसे दे दिए थे जिस आदमी ने बोला था कि वो टॉरंट का आदमी है। आपके ज़रिए मैं लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि टॉरंट का कोई एजेंट नहीं है होता। हमारे द्वारा कहीं पे किसी भी एजेंट को या किसी भी आदमी को ऐसा अपॉइंट नहीं किया गया है। लोगों से गुजारिश है कि ऐसे किसी भी थर्ड पार्टी को या किसी अनजान व्यक्ति को आपका एप्लीकेशन, आपके पैसे या आपका बिल ना दे। आप जो भी बिल रिलेटेड या आपका एप्लीकेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है, कंसर्न है, नया अर्जी है, हमारे ग्राहक सेवा केंद्र में ही दें। हमारे ऑफिस में आके उसकी पावती के साथ ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें। आप अगर टॉरंट पावर में कोई अर्जी देते हैं उसका आपको एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, आप अगर पेमेंट करते हैं आपको हमारे काउंटर से रिसीट दी जाती है। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी भी आदमी को ऐसे जो क्लेम करता है कि मैं एजेंट हूँ, मैं टॉरंट पावर का आदमी हूँ, आप अपने पैसे या अर्जी या और कुछ न दें। ऐसे कोई एजेंट टॉरंट द्वारा अपॉइंट नहीं किए गए हैं, ये फ्रॉड लोग हैं जो लोगों को ठग रहे हैं। हमारा सारा जो है, आपका एप्लीकेशन हो, आपका कंप्लेंट हो, आपके क्वेरीज हो, कस्टमर केयर सेंटर से, कॉल सेंटर से लोगों को सर्विस दिया जाता है। आपको हमारे सेंटर पर आना है, आपको दिक्कत है आप हमारे ऑफिसर से बात करिए, हमारे काउंटर्स पर बात करिए। इसके अलावा आपको अगर काउंटर पे या हमारे सेंटर पे आना नहीं है तो हम हमारे वेबसाइट के थ्रू भी सर्विस देते हैं। टॉरंट पावर की वेबसाइट है connect.torrentpower.com, हमारा मोबाइल ऐप है जो आज गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में भी अवेलेबल है, ऐप का नाम भी कनेक्ट ही है, आप कनेक्ट टॉरंट टाइप करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना बिल, आपके बिल का भुगतान, आपकी अर्जी, ये सारी चीज़ें वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐप के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बावजूद आपको 24/7 कॉल सेंटर का नंबर भी दिया गया है, आप कॉल सेंटर में भी कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आपकी पावर नहीं है, आपके बिल रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप कॉल सेंटर से बात कर सकते हैं। लेकिन कृपया, मैं एजेंट टॉरंट पावर का हूं, ऐसे बोलने वाले ठगों से बचें। ऐसे किसी भी आदमी को आप अपने पैसे ना दें या किसी भी आदमी को आप अपनी अर्जी ना दें। शहर में एक ये भी चर्चा है कि जो महावितरण का बिल बकाया था तो वो टॉरंट पावर क्यों ले रही है? लोगों का ज़्यादातर यही कहना है कि टॉरंट पावर जब से आई है तभी से टॉरंट पावर अपना बिल वसूली करे, महावितरण के वक्त का जो है वो बिल वसूली ना करे,
ऐसा लोगों का कहना है। देखिए इस्लामुद्दीन जी, एक चीज़ हमको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि टॉरेंट पावर जो है ये MSEDCL की यानी महावितरण की फ्रेंचाइजी के बतौर शिल कलवा मुमरा एरिया में काम कर रही है। हम महावितरण से या MSEDCL से अलग नहीं है, हम उनके फ्रेंचाइजी के बतौर काम कर रहे हैं। आज आपका बिल जो टॉरेंट पावर मार्च 20 से काम कर रही है उसके पहले का भी जो है वो उसी बिल का हिस्सा है, उसको अलग से मानना गलत हो जाएगा। आज टॉरेंट पावर का MSEDCL के साथ जो अग्रीमेंट बना है उसके हिसाब से टॉरेंट पावर एज अ फ्रेंचाइजी MSEDCL के लिए ही काम कर रही है। तो आपका पूरा बिल जो बकाया है, चाहे वो टॉरेंट पावर के लेने के पहले का हो या टॉरेंट पावर के बाद का हो, ये बिल MSEDCL पहले लाइसेंसी और अभी टॉरेंट पावर एज अ फ्रेंचाइजी MSEDCL के बतौर काम कर रही है, तो आपका बिल पूरा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। आपको अगर बिल भुगतान करना है तो उसमें सपोर्ट के लिए टॉरेंट पावर आपके पूरे बिल पे जो भी हमारे तरफ से सपोर्ट हो चाहे किश्त हो वो करने के लिए तैयार है। आप अगर उसको किश्तों में भरना चाहे हमारे सेंटर में आप आ सकते हैं, लेकिन पहले का बिल अलग और अभी का बिल अलग ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। तो आपने सुना कि जो टॉरेंट पावर के जनसंपर्क अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि टॉरेंट पावर किस तरह से जो PD का बिल बकाया है उसके लिए जो योजना लेकर आई है, आप किस्त में भी भर सकते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट जमा करके उसके बाद जो आपको यहां से बताया जाएगा कि आप कितने इससे किस्तों में भर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी आप आके इनके कार्यालय में भी ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर टॉरेंट पावर के अधिकारी ने जो बताया कि इनका किसी भी तरह का कोई भी एजेंट नहीं है, और जनता को भी ये बात जानने की बेहद ज़रूरी है कि टॉरेंट पावर का कोई भी एजेंट बाहर नहीं है। आपको अगर बिल जमा करना है, पैसे जमा करना, कोई भी आपको इस तरीके का अगर बिजली से संबंधित काम है तो आप टॉरेंट पावर के ऑफिस पहुंचकर टॉरेंट के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनसे मिलकर उनसे संपर्क करके अपने काम को पूरा करें। जो एजेंट बताते हैं उनके हाथ में किसी भी तरह का पैसा या जो है बिजली का बिल या चेक वगैरह ना दें। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।